Majapal sir from Vivekananda School, Bani. Now we start the next concept of class 6, the subject science, जंतुओं की चाल. तो आज हम जंतुओं की चाल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जंतु कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. तो फर्स्ट जंतु आता है केचुआ, क्रैकलाप 5. बगीचे में चलते हुए एक केचुए का निरीक्षण कीजिए. इसे पकड़कर एक स्याही सोक फिल्टर पेपर पर रखिए. तो आपने क्या करना है, किसी केचुए की चाल का निरीक्षण करना है. तो इसे पकड़कर क्या रखें, एक फिल्टर पेपर के ऊपर रख दें. इसकी गति का परीक्षण कीजिए. इसके पश्चात केचुए को एक कांच की पट्टी, टुकड़े टाइल अथवा इसकी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए. पहले आपने क्या करना है, केचुए को किसी शाही वाले पेज पर रखना है जिसपे शाही लगी हो, फिर उसको किसी कांच की स्तर पर रख देना. क्या यह गति पेपर पर केचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस पर केचुआ आसानी से चल सकता है? ठीक है, तो आपने पहले इसको फिल्टर पेपर पर रखना है, फिर आपने इसको कांच की स्लैब पे रखना है. तो आपने देखना है कि किस में जो केचुआ है फास्ट चलता है. केचुआ का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटा कर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है. केचुए के शरीर के अंदर छोटे छोटे छल्ले होते हैं. ओके, आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं. चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रखता है तथा अग्र भाग को फैलाता है. तो उसकी मूवमेंट कैसे होती है केचुए की, वो अपना पिछला भाग जमीन पे क्या करता है, सकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है और अगले भाग को मूव करता है. फिर अगले को क्या करता है, जमीन में जकड़ लेता है और पिछले को साथ में खींच लेता है. इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है. अब देखो, पहले उसने क्या किया था, आगे की तरफ हुआ था, पिछले को जमीन पे क्या रखा था, सकड़ के रखा था, जकड़ के रखा था, अगले को खींचा था, फिर अगले को क्या करता, जकड़ता, फिर पिछले वाले को खींच लेता है. इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है. केचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है. इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसके चलने में सहायता करते हैं. यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है, इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शूक होते हैं. ये शूक पेशियों से जुड़े होते हैं. ये शूक मिट्टी में इसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं. ओके, इसके शरीर के अंदर छोटे छोटे बाल जैसी आकृतियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, इसको चलने में सहायक करती हैं और मिट्टी में पकड़ बना के रखती हैं इसकी. केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है. इसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है. केचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, इससे पौधे को फायदा होता है. ओके, तो केचुआ जो होता है जमीन के लिए बहुत फायदेमंद होता है. वो मिट्टी को खाकर उसमें एक जैविक पदार्थ बाहर निकालता है अपने वेस्ट के रूप में, और वो जैविक पदार्थ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जमीन की उपजाऊ पावर के लिए. नेक्स्ट है गोगा, क्रियाकलाप 6. किसी बगीचे में एक गोगे का अवलोकन कीजिए. क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? ओके, गोगा आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक क्या गोल संरचना होती है इस तरीके से. ओके, तो इस तरीके से वो अपनी मूवमेंट करता है. इसे कवच कहते हैं और यह गोगे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता. यह कवच एकल एकक होता है और यह गोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता, यह गोगे के साथ खींचता जाता है. ओके, तो यह कवच गोगे के साथ ही होता है. गोगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए. जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर उसके चलने का ढंग का परीक्षण कीजिए. ओके, तो आपने कांच की पट्टी के ऊपर रखकर इसकी परीक्षण करनी. कवच का छेद खुलने पर इसमें उसमें एक मोटी मांसल संरचना या सिर बाहर आते देखा है. ओके, तो कवच में ये अपने आप को छुपा लेता है और जब इसने चलना होता है तो कवच में से अपना सिर बाहर निकाल के मूवमेंट शुरू कर देता है, मोशन शुरू कर देता है.
मोटी संरचना इसका पाद पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए, पाद पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। यह घोघे को गति केचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी है। तो आपने बताना है कि घोघे की जो गति होती है केचुए की गति से तीव्र होती है, तेज होती है या धीमी होती है, आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तिलचट्टा। किसी कॉकरोच का प्रेक्षण कीजिए। तिलचट्टा कॉकरोच देखा होगा आपने। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता और वायु में उड़ता भी है। इसमें तीन जोड़ी पैर होते हैं। तीन जोड़ी पैर का मतलब क्या है, छह पैर होंगे इसके, ओके, जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है जिससे कारण इसकी गति संभव हो पाती है, ओके। तो यह होता है कि तिलचट्टा, ओके, जिसको कॉकरोच बोलते हैं, ओके। इसका जो शरीर होता है वो कठोर होता है और इसका बाह्य कंकाल होता है, ओके। बाह्य कंकाल विभिन्न एककों, छोटे छोटे एककों से जुड़ा होता है, ओके, जिसके कारण इसकी गति हो पाती है। वक्ष से दो जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे तथा पीछे पैर चौड़े बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं, ओके। तो इस तरीके से तिलचट्टा अपनी मोशन करता है, ओके। तो नेक्स्ट है पक्षी। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित तो होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण उसकी अस्थियां हल्की और मजबूत होती हैं, ओके। उनकी अस्थियों के अंदर खाली जगह होती है और हल्की उनकी हड्डियाँ होती हैं वो तो हल्की होती हैं। पश्चपाद पीछे के जो पैर होते हैं अस्थियों को चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होते हैं। अगर पाद की अस्थियां जो अगले वाली अस्थियां हैं रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं, ओके। पिछले से जो पैर बने होते हैं अस्थियों से, अगले से पंख बने होते हैं, ओके। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाले पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं, ओके। तो अगले वाली जो अस्थियाँ होती हैं वो पंखों के साथ जुड़ी होती हैं, पिछली अस्थियाँ जो हैं वो पैरों को काम करती हैं, और अगले वाली अस्थियाँ मजबूत होती हैं जो उनको क्या करती हैं, उड़ने में सहायक होती हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। हमने कई जानवरों की मोशन के बारे में, उनकी गति के बारे में डिटेल में पढ़ा। आपने इसको एक बार रिवाइज करना और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आपने फॉर्मेशन करनी है, वो आपने अपनी नोटबुक अंदर लिखना है, ओके। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।